अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आप सब लोग ही जानते हैं कि आजकल मैं अपनी मम्मा के घर आई हुई हूँ और यहाँ पर बस मैंने रिकॉर्डिंग करनी होती है, काम शाम तो मुझे करना नहीं होता, तो यहाँ बन रहा है अभी नाश्ता। जब तक नाश्ता बन रहा है हम बाकी सब लोगों को देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे बदीरा जो है वो मेरा मोबाइल लेके यूज़ कर रही है, और हालांकि मेरे मोबाइल के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है कि अदन के हाथ से गिर गया था और वो सारा टूट गया है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मेरा मोबाइल टूट गया। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि उसकी जो है मत बच चुकी है मोबाइल की, इतना बुरा जो है वो टूटा है और इसके अंदर से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी निकल रहे हैं। और मैं अब इनको अपना मोबाइल कोई नहीं देती, लेकिन जब मैं इधर उधर हुई हूँ ना तो ये उठा लेती है। तो जैसे अभी मैंने इसकी चोरी पकड़ ली थी तो अब पकड़ ली है। अब नाश्ता हो गया है तैयार बनके, तो अब हम करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते के अंदर हमारे पास है ब्रेड और घर का मक्खन। घर का मक्खन है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ताकत वाला होता है और बहुत ज़्यादा उसके जो है बेनिफिट्स हैं। तो आप लोग ये ब्लू बैंड वगैरह से ज़्यादा जो है आप इसको खाया करें घर में बना के। खैर मुझे भी ब्लू बैंड बहुत पसंद है, कोई ऐसी बात नहीं है, पर जो है सेहतमंद और हेल्दी चीज़ हमें खानी चाहिए, बाज़ार वालों में तो कुछ ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे खाना बनना रख दिया गया है। यहाँ बन रहा है कबाब का मटेरियल और ये बन रही है काले मसर यानी कि साबुत मसर की दाल। तो यहाँ पर अभी आप लोग को पीछे से मेरे थोड़े थोड़े साउंड्स आ रहे होंगे, क्योंकि भाई मम्मा के घर जो है जहाँ जिस इलाके के अंदर है वहाँ पर ये 9-10 मुहर्रम को ये कुछ जो है ताज़िए टाइप जुलूस टाइप निकालते हैं और ढोल वगैरह बनाते हैं, और एक जो है प्रोजेक्ट भी इनका बनता है। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोग के साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। खैर तो यहाँ पे किचन में हो रही है खाने वगैरह की तैयारियाँ। अब यहाँ फ्राई होने लगे हैं कबाब, और यहाँ ये मेरी छोटी वाली बहन जो है वो कबाब फ्राई करने लगी है। तो जी खाना बनके हो गया है तैयार, और यहाँ पर मैं सबको सर्व करके देने में लगी हुई हूँ। सबको चावल मैंने डाल डाल के दिए हैं और कहा है कि भाई दाल आप लोगों ने ख़ुद बनानी है, क्योंकि हमने बनाया है साबुत मसर के साथ फ्राइड राइस। सबको सर्व कर देने के बाद फिर एंड में मैं बनाऊँगी अपनी प्लेट और अपना खाना इंजॉय करूँगी। तो आप लोग भी मेरे साथ करें खाने को इंजॉय, और जिसके मुँह में पानी आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि किस किस के मुँह में खाने को देख के पानी आ रहा था। से फारिग होने के बाद शाम को मेरी बहन ने बना ली थी चीज़ी मैक्रोनी, और जिसकी रेसिपी उसके चैनल कुकिंग विद अबीरा पे ऑलरेडी मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और उसने बनाई थी 7 सैंडविचेस और बनाई थी ब्राउनीज़।
असल में कोई दिन होता है ना कि वो खाने पीने का दिन होता है, यानी कि हम लोग उस दिन इतना खाते हैं इतना खाते हैं इतना खाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। तो आज ऐसा दिन था कि आज एक के बाद एक चीज़ हमें खाने के लिए मिल रही थी। और यहाँ पर ये देखिए मेरे भाई खा रहे हैं, और ये चीज़ी मैक्रोनी माई फेवरेट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उसके हाथ की बनी हुई। वैसे भी मैक्रोनी मुझे हर टाइप की पसंद है, लेकिन जो है इस ये जो चीज़ी मैक्रोनी है बनाती है ये बहुत मज़े की बनाती है, क्योंकि इसमें ये चीज़ की लेयर काफ़ी लगाती है तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज हमारा बहुत ज़्यादा खाने पीने का दिन है, तो आज हम खा पी रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ इस टी टाइम को इंजॉय करें विदाउट टी, क्योंकि इसमें टी नहीं है और लेकिन है ये टी टाइम। खैर फिर उससे फारिग होने के बाद भाई थोड़ी देर बाद अदन को चाहिए था जामशीरी वाला दूध, यानी कि वो दूध के अंदर ना जामशीरी डाल के पीती है। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे वो बना दो, तो अब मैं बना के देने लगी हूँ उसे वो दूध, तो नीडो का बनाऊंगी। तो आप लोग देखें कि भाई अदन को अब मिलने लगा है जामशीरी वाला दूध। तो आपने आज मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि अब हम लोग को बना बना के वीडियो समझ नहीं आ रही होती कि हम नेक्स्ट कंटेंट क्या अपलोड करें। तो प्लीज़ आप लोग जो है अपना कमेंट में इजहार किया करें कि आप लोग नेक्स्ट चीज़ आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपने मेरी वीडियो को वॉच करना है, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और अगर अभी आप लोग मेरी वीडियो पहले से देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या अगर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों को पता ही है कि इसे क्या करना है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।